फाइंड आउट चीज हमारे लिए क्या वैल्यू रखती है उसके लिए सक्सेस क्राइटीरिया क्या है उसके लिए बेहतरीन परस्पेक्टिव क्या हो सकता है और हम उसको जज करने की कोशिश वो करते हैं अब वैल्यूइंग को लेबोरेट करने के लिए देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस अपॉन फॉर एग्जाम्पल वैल्यूइंग इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटीज एज एस्टेब्लिशिंग सक्सेस क्राइटीरिया इवेल्यूएटिंग अप्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड जजिंग पीपल आपने किसी भी चीज को किसी भी शख्स को किसी भी जगह को क्या वैल्यू असाइन की सो देर फॉर रिमेंबर एट द सेम टाइम वी है इज एन ऑब्जेक्टिव आउटसाइड यूर सेल्फ एलिमेंट एन अब्जेक्टिव वन जिसको हम वैल्यू एक्चुअली असाइन कर रहे हैं और उस हवाले से अक्सर औकात हमारे पास कंपेरिजन पॉइंट भी वो हो सकते हैं Therefore, याद रखिएगा कि वी आर ऑल बॉर्न कैपेसिटी टू वैल्यू हमारे पास ये कैपेबिलिटी इनहेरेंट है हमारे पास ये कैपेबिलिटी इन है कि हम लोगों को चीजों को प्रोसेस को वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम अच्छे और बुरे की तमीज कर सकते हैं हमारे लिए ये हमारे अंदर इनकॉर्पोरेटेड फैक्टर है कि हम सही और गलत इम्तजाज को वो समझ पाए और वो कैसे समझ पाएंगे जब हम उनको एक वैल्यू असाइन कर सकेंगे कि कौन सी चीज किससे बेहतर है और कौन सी चीज किससे कमतर है सो द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ वैल्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सी कैलकुलेशन में बहुत से प्रस्पेक्टिव में रिलेशनशिप्स में ताल्लुका और मामला में हर जगह पर द फैक्टर ऑफ वैल्यूइंग दिस फंक्शन ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल नाउ योर ऑथर इज सजेस्टिंग अ स्मॉल एक्सरसाइज to find values at the work this exercise says that make a list of all the values apart from financial values hum profits ki baat nahi kar rahe hain return on investment ki baat nahi kar rahe hain which might influence any business decision over the coming 10 years अब आपको यह देखना है कि अगले 10 सालों में वो कौन सा value system है वो कौन से perspectives हैं, वो कौन से associations हैं जो आपको चाहिए होंगी फाइनेंशियल को, को, को ensure, वो कर सके, और आपको in, वो कर सके इसके बाद is, फिर आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसके एनुअल रिपोर्ट के अंदर टॉप मैनेजमेंट ने किन वैल्यूज को एलेबोरेट किया और वो वैल्यूज

में कहां पर तजाद है कहां पर क्लैश है और कहां पर सिंक्रोनाइजेशन एंड पैटर्नाइजेशन वो मौजूद है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वैल्यूइंग सही मानों में करें सही तरीके से करें ना हम ओवर एस्टिमेट करें ना हम अंडर एस्टिमेट करें बिकॉज हमारी तरफ से दी जाने वाली वैल्यू दरअसल हमारा सारा एनालिसिस और सिंथेसिस का आउटकम होगा जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज अराउंड अस डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन माइंड फंक्शन आर थ्री वैल्यूइंग एनालाइजिंग एंड सिंथसाइजिंग हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तीनों फंक्शन ऑफ माइंड को बेहतर तौर यूज करें ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग हमारी क्रिएटिविटी हमारी इनोवेशन वो डेमोन्स्ट्रेट हो सके और हम सस्टेनेबल आउटकम्स हासिल कर सकें थैंक यू